नमस्कार, हाजिर है हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हर बार है और इस बार का शख्स राजा बिजली पासीवाट प्रथम। यहाँ चूंकि जिस तरह देखा जाए माहौल है, चुनावी अखाड़ा तो बिल्कुल तैयार है। हर व्यक्ति अपने अपने तरफ से जोर लगा रहा है, इस चुनाव में जीतने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक बात है ना कि इस बार का आपका वोट उन्हीं को जाता है के साथ काम किए हों, जो लगातार रहे हों, और जिन लोगों ने लगातार आपके बीच में आपकी असहायता पर, यानी जहां पर लगा हो कि आपको कोई व्यक्ति आपके सहारे पर ना हो, वो व्यक्ति खड़ा हो, ऐसे लोगों को ही वोट देना चाहिए। इस बार हम उपस्थित हैं रोहित चौधरी की, उन्होंने राजनीति में कदम क्यों रखा और इस बार राजा बिजली पासी वार्ड की प्रथम जो प्रथम है उसमें किन मुद्दों के साथ राजनीति में उतरेंगे। हमारे साथ रोहित जी। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। रोहित जी, आपका स्वभाव जिस तरह से हमेशा रहा है एक चर्चा का केंद्र रहा है कि आपका हसमुख स्वभाव और एक छोटे, तो एक कम शब्दों में जरा बता दीजिए राजनीति भाई क्यों आपको? देखिए, राजनीति कोई मेरी पहले से सोच नहीं थी। पहले भी अपने इंटरव्यूज में और लोगों से बताता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास की जो अगल बगल की व्यवस्था थी, जो सरकारी योजनाएं थी, वो लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी। तो बस मेरा पहला कदम यही था, लोगों तक पहुंचाया जाए, जो सरकार से योजनाएं उपलब्ध हो रही हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाए, जो लोगों की परेशानियां हो रही हैं उनको हल किया जाए। एक मदद के रूप में मैंने स्टार्ट लिया था, एक सेवा भाव से। तो अब कहीं ना कहीं लोग उसको राजनीति का नाम देने लगे हैं, तो ये उनकी सोच है। मैं पहले भी सेवा करता था और अभी भी सेवा कर रहा हूँ लोगों की, यानी सेवार्थ जीवन। ठीक, अगला प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि देखा जाए तो आपका कारवां चला था और आपने बहुत संघर्ष किया है, एक एक बिंदु पर भी, वो बिंदु मैं अपनी जिक्र ना करूं, आपने बहुत संघर्ष किया जितना हम जानते हैं। चलिए ये बता दीजिए कि आखिर आज आप निर्दलीय हैं, उस समय आप दल से थे, दल से संभावित प्रत्याशी थे, अब तो खैर प्रत्याशी कोई और है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके चुनाव में? नहीं, मुझे पहले भी जब मैं भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था, तो लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया था। लोगों ने मुझसे कहा था कि भैया आप आगे आइए, आप इतना सब कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप करें, और आप अगर उस पद पर बैठेंगे तो हमारी मदद आप और अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको भी सुविधाएं होंगी हमारी मदद करने के लिए। तो चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, तो मेरी प्राथमिकता थी कि मैं पार्टी से अपनी बात रख। अब पार्टी की जो सोच थी, पार्टी ने अपनी सोच के आधार पर काम किया। जब पार्टी ने प्रत्याशी किसी और को घोषित कर दिया, तो लोगों का रुझान मेरे पास और बढ़ चढ़ कर आया। लोगों ने कहा कि आप हमारे लिए पहले भी थे और अभी भी थे, हमें ये फर्क नहीं पड़ता आपके पास सिंबल हो या ना हो, हमें ये फर्क पड़ता है कि हमारा प्रतिनिधित्व आप करें। अच्छा, हमारे क्षेत्र से आप आगे बढ़े और हम आपके साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, इसलिए आप उनके बात मानकर राज जी जी जी, क्योंकि मैं अगर उनकी बात ना मानता तो इतने सालों से जो मेरे साथ हैं, कहीं ना कहीं उनकी मनोबल को बड़ी ठेस पहुंचती। हाँ। तो मैं उनके मनोबल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, आशाओं को तोड़ना भी नहीं, आशाओं को तोड़ना नहीं चाहता था। तो वैसे भी मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, सेवा भाव है। तो एक सेवा भाव के लिए मैंने इस पे कदम उठाया कि सेवा भाव से आप, चलिए इस बात तो ठीक है, लेकिन ये बता दीजिए कि आखिर राजा बिजली पासी वार्ड के प्रथम के लोग, आपने कहा लोगों ने प्रोत्साहित किया था पहले भी आपको, अभी भी आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, चलिए सारी बातें हम मान लेते हैं, लेकिन आखिर इस वार्ड के लोगों के लिए आपने कितना बिना पद के काम किए, संघर्ष, लगातार लोगों के बीच जाना आना, व्यवस्थाओं के बीच में रहना, उनके लिए संघर्ष करना, क्या ये सब काम भी हैं आपके? जैसे कि औरंगाबाद एक क्षेत्र पड़ता है हमारे शहीद पद के बगल में, देखा जाए तो शहीद पद एक ऐसा हाईवे है जहां से रोज तमाम मंत्री, नेता, विधायक निकलते रहते हैं, लेकिन उसके बगल में ही जस्ट आप ऊपर से देखेंगे तब भी वो गांव नजर आता है, लेकिन किसी मंत्री, विधायक या नेता ने अभी तक उस गांव की तरफ ये रुख नहीं किया कि यार शहीद पद में तो इतनी लाइटिंग है, रोड लाइट्स है, सब कुछ है, लेकिन ये जो बगल में हम नीचे झांकते हैं तो यहां पर दिए जैसे क्यों नजर आते हैं? तो उस क्षेत्र में मैंने रोड लाइट्स का काम कराया, नालियों की व्यवस्था थी, नालियों की व्यवस्था सही कराई, कहीं कहीं हैंडपंप से पानी नहीं आते थे, तो मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने प्लम्बर्स को, एम्प्लॉयज को भेजकर प्लम्बर्स को बुलाया और उस पर काम करवाए, हैंडपंप को सही करवाए। मंदिर थे, मंदिर बंद पड़े रहते थे, उस पर पूजा पाठ नहीं होती थी, उनपे पुजारियों से बात की कि आप मंदिर की देखरेख करें और क्षेत्र के लोग आपका समर्थन करेंगे, तो एक वहां पर चालू करवाई, धार्मिक कार्य चालू कराए। कुछ मुस्लिम क्षेत्र ऐसे थे जो मतलब हर सुविधा से वंचित थे, जैसे औरंगाबाद खालसा हमारा, तो एक वर्ग वहां हमारे मुस्लिम भाइयों का बहुत है, जहां पर आप ये समझ लीजिए कि सड़कें नहीं, नालियां हैं अरे आज भी।
वहां सड़कें नहीं है, इंटरलॉकिंग नहीं है, नालियां है, मुझे तकलीफ होती है, मैं वहां जाता हूँ, मेरी बहनें मुझसे कहती हैं कि भैया इसका रुख कब आएगा, तो उनको बड़ी उम्मीदें हैं मुझसे और मैंने अपनी बहनों से वादा भी किया है यदि मैं जीत कर आता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, आप लोगों का साथ प्यार मुझे मिलता है, तो मैं सबसे पहले बिना भेदभाव के विकास कार्य जिस क्षेत्रों में मैं बताया जहां नालियां हैं सड़कें नहीं है तो उनको मैं कार्य करूंगा। चलिए चलिए, बिना भेदभाव के ये अच्छी बात है, आवश्यकता भी है ऐसे लोगों की जो धरातल पर काम करें, धरातल को समझे। लेकिन एक चीज बता दीजिए रोहित जी, अगर जैसे अभी आपने जिक्र किया कि खालसा जी औरंगाबाद खालसा वहां पर अव्यवस्थाएं हैं, देखिए युवा है तो निश्चित रूप से परिवर्तन की आशा रहेगी लोगों बिल्कुल, की आपसे बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, तो बहुत है लोगों को उम्मीदें बहुत है। हाँ, निश्चित निश्चित, तो अगर आप बन जाते हैं पार्षद तो आपने सोचा होगा ना कि मुझे पूरे वार्ड में, आपने एक जगह का जिक्र किया, मैं पूरे वार्ड का प्रश्न कर रहा हूं, जी जी, कि पूरे वार्ड में आप ये करेंगे वो क्या है? जैसे कि पूरे वार्ड में जिस जिस वार्ड, मेरा एक वार्ड है तो उन वार्ड में जिस जिस क्षेत्र में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, जैसे कि औरंगाबाद खालसा का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं, अब बात आती है सेक्टर एन की, सेक्टर एन में कुछ पार्क है जिनमें अतिक्रमण का प्रभाव है और सुंदरीकरण उनका करवाना है मुझे, सड़कें हैं लेकिन उनमें इंटरलॉकिंग नहीं है किनारे, जिस वजह से सड़कें टूटी हैं और अगल बगल कीचड़ जमा होता है और नाली की व्यवस्था वहां पर सही नहीं है, सीवर लाइन की व्यवस्था सही नहीं है, तो ये बात हो गई सेक्टर एन की। उसके बाद आते हैं सेक्टर एल में, एल में जब मैं गया तो वहां की जो जलवायु विहार आपने सुना होगा नाम, उसके विहार की बाहर की जो रोड है, बरसात में लोगों को अपना पैजामा घुटनों के ऊपर चढ़ाना पड़ता है और तब वहां से ट्रेवल करना पड़ता है, और मोटरसाइकिल अगर बगल से निकल गई तो फिर उसको शर्ट उतार के चेंज करने घर जाना पड़ता है, तो ये इस तरह की व्यवस्था है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी एक आधार पर काम करूंगा, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं, कहीं रोड लाइट नहीं है, कहीं रोड लाइट है तो लेकिन बगल में पार्क ऐसे हैं जिनके पेड़ इतने बाहर निकले हुए हैं कि रोड लाइट्स को ढक दिया है तो कोई उनकी सुध ही नहीं ले रहा है, तो निश्चित रूप से आप आएंगे तो परिवर्तन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा रोहित जी, एक चीज, जिस तरह से आपने अव्यवस्थाएं गिनाई और जिस तरह कहा कि नहीं पार्कों की सौंदर्यीकरण, सड़कों का खराब होना, स्ट्रीट लाइट का लगा होना और पेड़ों के आड़ में स्ट्रीट लाइट ठीक से नहीं आ रही, सारी चीजें हैं, तो क्या निवर्तमान पार्षद ने कभी सोचा नहीं कि ठीक कराया जाए इन सब चीजों को? देखिए ये कह पाना मुश्किल है, शायद उन्होंने सोचा हो, अपने सोचा होगा तो आप आज सवाल थोड़ी उठाते हैं, नहीं कहीं ना कहीं कमी रही है ना, तभी लोगों को शिकायतें हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि शिकायतें नहीं होती, हो सकता मैं भी कार्य करूं लोगों को शिकायतें हो, लेकिन उन शिकायतों का एक दायरा होता है, परसेंटेज होता है, तो अगर कहीं ना कहीं किसी ने काम किया होता तो वो परसेंटेज इतना ज्यादा ना होता। तो आप मेरे वार्ड के किसी भी क्षेत्र में जाइए, लोगों को सिर्फ शिकायतें हैं, गड्ढे हैं, मिर्जापुर आप चले जाइए, वहां पर जो हमारे पूर्व पार्षद है उनका क्षेत्र तो ठीक ठाक है लेकिन उनसे क्षेत्र से मात्र 1 किलोमीटर दूर पे एक गांव है छोटा सा जहां पर सड़कें नहीं है। मैं जो उस गांव का दौरा मैंने पहले दिन किया तो मैं 3 बार गिरता हुआ बचा, क्योंकि वहां इतने बड़े बड़े सांप के बिल जैसे गड्ढे हैं रोडों पे, तो ये सब चीजें हैं, अव्यवस्थाएं, लेकिन आपके हिसाब से बड़ी खराब। अच्छा एक चीज और रोहित जी, मान लिया कि सारी अव्यवस्थाएं हैं, सारी चीजें आपने गिना दी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब इस जीतना, इसमें भाजपा का आपके सामने प्रत्याशी होगा, सपा का भी है, सब सिंबल से आते हैं और सिंबल वाले लड़ने वाले लोगों के सामने सिंबल बताने की आवश्यकता नहीं होती, उनको कहीं ना कहीं पता होता है, आपके सामने सब चुनौतियां हैं, क्या लगता है जीत कितनी नजदीक है आपके? देखिए ये कह पाना तो अभी मुश्किल है कि जीतेगा कौन हारेगा कौन, मेरे साथ जनता का बल है, उसी बल के आधार पर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पार्टी का फर्क पड़ता है, तब पड़ता है जब प्रत्याशी हमारे ही अगल बगल का कहीं का होता है, हमारी गली मोहल्ले का होता है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारा है वो इस वार्ड के नहीं है, उनका दूर दूर तक इस वार्ड से कोई संबंध नहीं है, सपा के जो प्रत्याशी उतारे गए, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं लेकिन जो सत्य है वो बतला रहा हूं, क्योंकि वो जो लिस्ट में नाम आते हैं उसके साथ एड्रेस भी आता है, तो वो आलमबाग के रहने वाले हैं, जी जी जी, बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी दूर के हैं, तो जहां तक जितने भी प्रत्याशी पार्टी से आए हुए हैं सब इस वार्ड के ना होते हुए चाचा डिसाइड कर रही है कि मुझे किसे वोट देना है, घर का कि बाहर का, घर का या बाहर का, क्या मानते हैं ये इस बार का चुनाव घर का और बाहर का हो गया है, घर का वर्सेस बाहर का? देखिए ये छोटा चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, ये सांसदी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोग इसमें ये देखते हैं कि हम जो प्रत्याशी चुने ऐसा प्रत्याशी चुने जो स्वस्थ हो, पहली चीज, नवयुवक हो और कार्य करने वाला हो, जिसकी कार्यशैली बैकग्राउंड जो हो वो कार्य करने वाली हो, ऐसा नहीं कि 50 साल तक बिजनेस किया है 51 साल में टिकट ले आए और फिर उनको पार्षद बना दिया जाए, तो अगर वो पार्षद बन भी जाएंगे तो उन्होंने जो 50 साल पहले किया वही आगे भी करेंगे, जीतने के बाद घर पे बैठ जाएंगे, तो जनता जागरूक हो चुकी है, वो जरूर उसी प्रत्याशी को चुनेंगे जो कार्य कर रहा है, जो लोगों की समस्याएं निरंतर सुन रहा है बिना किसी पद पर रहते हुए,
तो इतनी बुद्धिमान आज की जनता हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। वही प्रत्याशी इस इलेक्शन में पार्टी का कोई महत्व नहीं होता है, जहां तक मेरा मानना है। लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास का कौन है और हमारे लिए कार्यरत कौन रहेगा। कैसे बता रहे हैं आप लोगों को, तराजू? ये तराजू मेरा चुनाव चिन्ह है, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तराजू मेरा चुनाव चिन्ह है और मैंने इसमें सिंबल भी दिया हुआ है, एक स्लोगन भी दिया है, खड़ी दोपहरी हो या आधी रात, रोहित चौधरी आपके साथ। और चुनाव चिन्ह तराजू, बस लोगों को यही बता रहा हूँ कि जो इतने सालों से नाइंसाफी हुई है, तो रोहित चौधरी अपने तराजू से सबको तोलने आया है। यानी अच्छाई बुराई को अब तोल, हाँ, अच्छाई बुराई को तोलेंगे और बिना किसी भेदभाव के, जो सबसे बड़ी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टीज इस इलेक्शन में आके जात बिरादरी धर्म अधर्म में बांट देती है। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि पार्टीज से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो इलेक्शन होते हैं इसको इतना ऊंचे लेवल तक ना पहुंचाएं। ये इलेक्शन कॉलोनी गली मोहल्लों का होता है, ये व्यक्तिगत व्यवहार में इलेक्शन होता है, तो पार्टीज की जो ऊपर की राजनीति है वो नीचे सड़कों पे ना उतारे इसमें, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है पार्टीज का। चलिए चलिए, इसमें जो कार्य करेगा वही आगे बढ़ेगा और जनता भी उसी के साथ रहेगी। चलिए चलिए चलिए, लगभग तराजू है इनका, लेकिन देखते हैं तराजू पर बटन दबेगा आपका या कोई और, ये तो समय बताएगा। लेकिन रोहित के विचारों से लग रहा है कि परिवर्तन होगा, ऐसा आशा की जा रही है, समय बताएगा। आवश्यकता है हमें ऐसे प्रतिनिधि की जो धरातल को समझता हो, जो समझता हो जनता की आवाह को और जो अव्यवस्था को समझता हो। खैर, भविष्य आप तय करेंगे, आपका वोट तय करेगा। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन आशीष के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड न्यूज़।